अभी जो भी आपके चल रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऑल योर ए प्लस प्लस कैटेगरी, आपके जो क्वेश्चन है ए प्लस प्लस कैटेगरी करके ना, आप एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए ए प्लस प्लस कैटेगरी करके ना। सो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 35 एंड पेज नंबर 5.72। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 5.72 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सेम सम जो सीए के एग्जाम में 3 टाइम्स आया हुआ है। ओके, आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 5.72। ए पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्लांट्स, वन इज इन वॉशिंगटन एंड वन इज इन कैलिफोर्निया, प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ कार्डबोर्ड। द वॉशिंगटन प्लांट हैज बीन ऑपरेटिंग 75% ऑफ द प्लांट कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग 2700 टन्स ऑफ कार्डबोर्ड पर मंथ। द कैलिफोर्निया प्लांट हैज बीन ऑपरेटिंग एट 60% ऑफ द प्लांट कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग 3600 टन्स पर मंथ। ओके, तो जैसे जैसे अपन रीड करेंगे, अपन इसको लिखते हुए जाते हैं। दिस इज योर गिवन। ए पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्लांट्स, वन इज इन, इट मींस देयर आर टू प्लेसेस वेयर द प्लांट्स प्लांट्स एक है आपका वॉशिंगटन और दूसरा है आपका कैलिफोर्निया। ए पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्लांट्स, वन इज इन वॉशिंगटन, वन इज इन कैलिफोर्निया, प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ कार्डबोर्ड। द वॉशिंगटन प्लांट हैज बीन ऑपरेटिंग 75%, इट मींस ऑपरेटिंग कैपेसिटी 75%, इट मींस प्रेजेंट प्रोडक्शन 2700 टन्स। ए पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्लांट्स, वन इज इन वॉशिंगटन, वन इज इन कैलिफोर्निया, प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ कार्डबोर्ड। द वॉशिंगटन प्लांट हैज बीन ऑपरेटिंग एट 75% प्लांट कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग 2700 टन्स ऑफ कार्डबोर्ड पर मंथ। द कैलिफोर्निया प्लांट हैज बीन ऑपरेटिंग 60% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग 3600 टन्स, 3600 टन्स। द मेजर रॉ मटेरियल यूज इन प्रोड्यूसिंग द कार्डबोर्ड इज ए वेस्ट पेपर। फॉर ईच 100 टन्स ऑफ प्रोडक्ट 80 टन्स ऑफ वेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। अब जरा ध्यान देना, एग्जाम में आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। यहां पे एग्जाम में आपको ये उल्टा दिखेगा। द मेजर रॉ मटेरियल यूज इन प्रोड्यूसिंग द कार्डबोर्ड इज ए वेस्ट पेपर। ओके, इसका मतलब आपका इनपुट है वेस्ट पेपर और आपका आउटपुट है द मेजर रॉ मटेरियल यूज इन प्रोड्यूसिंग द कार्डबोर्ड, कार्ड द मेजर रॉ मटेरियल यूज इन प्रोड्यूसिंग द कार्डबोर्ड इज ए वेस्ट पेपर। फॉर ईच 100 टन्स ऑफ प्रोडक्ट 80 टन्स ऑफ वेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। इट मींस आपका आउटपुट है 100, ये आपका आउटपुट और ये आपका इनपुट। अगर आप इनपुट 80 डालेंगे तो आपको आउटपुट 100 मिलेगा। एग्जाम हॉल में आपको ये उल्टा दिखेगा, इनपुट 100 दिखेगा, आउटपुट 80 देखेगा। और एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिर आपको उल्टा दिखेगा कि वेस्ट पेपर 80 और आउटपुट 100। तो द मेजर रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द कार्डबोर्ड इज ए वेस्ट पेपर। फॉर ईच 100 टन्स ऑफ प्रोडक्ट 80 टन्स ऑफ वेस्ट पेपर आर रिक्वायर्ड। एट द वॉशिंगटन प्लांट द लोकल वेस्ट पेपर कॉस्ट 18.75। इट मीन्स या तो ये रॉ मटेरियल हम लोग ले सकते हैं लोकल,
लोकल में आपको रेट लगेगा 18.75 पर टन, पर टन वेस्ट पेपर, बट द सप्लाई इज लिमिटेड टू, मैक्सिमम आपको सप्लाई मिलेगी 1440 टन्स। दिस कॉस्ट इज नाउ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ये कॉस्ट अब बढ़ के हो जाएगा आपका 20.5 पर टन। एट कैलिफोर्निया प्लांट लोकल वेस्ट पेपर कॉस्ट 20 रुपीज पर टन एंड लिमिटेड टू, यहां पे आपका रेट है 20 रुपीज पर टन एंड लिमिटेड टू आपका क्वांटिटी है 4000 टन, 4000 टन। एडिशनल वेस्ट पेपर मस्ट बी परचेज थ्रू ब्रोकर एट द रेट ऑफ 27.5 डिलीवरी एट, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा और उसका रेट है 27.5 पर टन, 27.5 पर टन डिलीवरी एट ईदर प्लांट। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? हाँ, एक एक करके आप देख लीजिए। ए पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्लांट्स, वन इज इन वाशिंगटन एंड वन इज इन कैलिफोर्निया, इन द प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ कार्डबोर्ड, इनका जो आउटपुट है वो है कार्डबोर्ड, आउटपुट है कार्डबोर्ड। द वाशिंगटन प्लांट हैज बीन ऑपरेटिंग एट 75% कैपेसिटी, उसका प्रेजेंट ऑपरेशन 75% कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग 2700 टन्स, राइट? ओके, तो अगर अपन फुल कैपेसिटी की बात करें तो 2700, इट मींस 2700 इंटू 100 बाय 75, हंड्रेड बाई 75। ओके फ्रेंड्स, नाउ द कॉस्ट शेड्यूल फॉर ए टिपिकल मंथ प्रोडक्शन आर एस फॉलोज, वाशिंगटन प्लांट का आपको दे रखा रॉ मटेरियल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, इट मींस अपने को कंटिन्यू करते हैं, दिस इज योर वाशिंगटन प्लांट वेयर द फिक्स्ड कॉस्ट इज 59,600 and variable cost is 1,02,600, fixed cost is 1,04,400 California, variable cost per ton 1,02,600, 1,04,400 divided by output, so output is 2700 and 3600, so per ton will be 1,02,600 divided by 2700 is 38, 1,40,400 divided by 3800, 1,40,400 divided by 3600 is
39. सही है सर, ये आपको गिवन है, आपका वाशिंगटन प्लांट एंड आपका कैलिफोर्निया प्लांट. ओके, ये ए प्लस प्लस कैटेगरी क्वेश्चंस हैं आपके पास. आपका वाशिंगटन प्लांट है आपका, एक बार मैं वापस से आपको रीड कर देता हूँ. ए पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्लांट्स. वापस से पूरा केस को अपन स्टडी कर लेते हैं. ए पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्लांट्स, वन इज इन वाशिंगटन एंड वन इज इन कैलिफोर्निया. वाशिंगटन एंड वन इज इन कैलिफोर्निया. Producing equivalent grade of cardboard. The Washington plant has been operating at 75% capacity, producing 2,700 tons of cardboard per month. California 60% and producing 3600. इसका मतलब इनका फुल क्या प्रोडक्शन हो जाएगा, 2700 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, आपका टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 75% इज 3600 टन्स. और ये 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, 3600 इंटू 100 बाई 60 इज 6000 टन्स. द मेजर रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग कार्डबोर्ड इज ए वेस्ट पेपर. वेस्ट पेपर से हमको कार्डबोर्ड मिलेगा. इट मीन्स इनपुट इज ए वेस्ट पेपर, आउटपुट इज ए कार्डबोर्ड. फॉर ईच 100, ये जरा ध्यान रखना, ईच 100 टन्स ऑफ प्रोडक्ट 80 टन्स ऑफ वेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड. 80 टन्स डालेंगे तो आउटपुट अपने को 100 आएगा. एट वॉशिंगटन प्लांट द लोकल वेस्ट पेपर कॉस्ट 18.75 पर टन वेस्ट पेपर, बट सप्लाई इज लिमिटेड टू ओनली 1440. अपना सप्लाई कितना मिल रहा है अपने को, 1440. एंड नाउ दिस कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू 20.5. ये कॉस्ट अभी क्या हो गया आपका, 20.5. एट कैलिफोर्निया प्लांट वेस्ट पेपर इज 20 रुपीज पर टन एंड क्वांटिटी लिमिटेड टू 4000. अगर आपको इसके अलावा ब्रोकर से अगर कुछ भी चाहिए तो उसका लगेगा 27.5 डिलीवरी एट ईदर प्लांट. द कॉस्ट ऑफ शेड्यूल फॉर टिपिकल मंथ इज गिवन बिलो. रॉ मटेरियल का तो अपने को दे ही रखा है. फिक्स कॉस्ट इज 59,600 फॉर वॉशिंगटन एंड 1,08,000 फॉर कैलिफोर्निया. वेरिएबल कॉस्ट 1,02,600 फॉर वॉशिंगटन, 1,40,400 फॉर कैलिफोर्निया. ठीक है, नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर टन 102,600 डिवाइडेड बाई 2700, 1,40,400 डिवाइडेड बाई 3600, 38 and 39. सही है सुनो फ्रेंड्स, अब बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या है. इफ द टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्लांट इज टू बी कंटिन्यूड एट द प्रेजेंट रेट ऑफ 6300, 2700 एंड 3600, 2700 3600, टोटल क्या हो जाएगा, 2700 3600, हमारा टोटल प्रोडक्शन उसको कितना चाहिए, 6300. इफ द टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्लांट इज टू बी कंटिन्यूड एट द प्रेजेंट रेट ऑफ 6300 टन्स पर मंथ, वुड देयर बी एनी अपेरेंट एडवांस शिफ्टिंग पार्ट ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम वन ऑफ द प्लांट टू अदर. हमको 6300 बनाना है तो क्या आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो कि भाई यहां नहीं यहां बनाओ, यहां नहीं वाशिंगटन, नहीं कैलिफोर्निया बनाओ, कैलिफोर्निया नहीं आप वाशिंगटन में बनाओ. इफ द टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्लांट इज टू बी कंटिन्यूड एट द प्रेजेंट रेट ऑफ 6300 टन्स पर मंथ, वुड देयर बी एनी अपेरेंट एडवांटेज इन शिफ्टिंग पार्ट ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम वन ऑफ द प्लांट टू अदर. इफ सो विच प्लांट should be increased by how much and what is the amount of cost saving. हमें क्या कुछ ये production plan change करना चाहिए और change करेंगे तो हमको क्या benefit होगा. DKC आपको क्या बोलता है friends, कोई भी question है पहले आप analyze करने के लिए आपको देना पड़ेगा rank for production, आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही अपन कर सकते. तो कैसे करेंगे friends, it means this is your step number one.
स्टेप नंबर वन फ्रेंड्स आप ले लीजिए, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ आउटपुट पर टन एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन। इट मींस स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ आउटपुट पर टन एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन। ओके, एक आपके पास है वॉशिंगटन, एक आपके पास है कैलिफोर्निया, और उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, या तो मटेरियल आप लोकल लो, या मटेरियल आप ब्रोकर से लो, या तो मटेरियल आप लोकल लो या मटेरियल आप ब्रोकर से। मीन्स आपके पास दो प्लांट है, आपको ये बताना है कौन से प्लांट में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए अगर अपने को टोटल 6300 का प्रोडक्शन करना है। टोटल 6300 का प्रोडक्शन करना है तो वॉशिंगटन में कितना करना चाहिए, कैलिफोर्निया में कितना करना चाहिए। अब वॉशिंगटन में बनाएंगे तो अपने पास दो ऑप्शन है, लोकल और ब्रोकर। कैलिफोर्निया में बनाएंगे अपने पास दो ऑप्शन है, लोकल और ब्रोकर। अब अपने को सबसे पहले अपना स्टाइल क्या है सोल्व करने का, कि अपने को रैंक देना रहता है। रैंक के लिए अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मिनिमम कॉस्ट हमको चाहिए। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब आपको मटेरियल का कॉस्ट क्या दे रखा है फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर आप लोकल मटेरियल खरीदेंगे तो उसका प्राइस है 20.5। अगर इसका 80 टन डालेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 100 टन। सही है सुनो फ्रेंड्स। देन ब्रोकर का क्या बोल रहा है, ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो 27.5 का 80 टन डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 100 टन। देन 20 रुपीज पर टन, इट मींस 20 का 80 टन डालेंगे तो आउटपुट हमको आएगा 100 टन। एंड 27.5 का 80 टन डालेंगे तो हमको आउटपुट आएगा 100 टन। ओके, सो 20.5 × 80/100 इज 16.4, 27.5 × 80/100 is 22, 20 × 80/100 is 16, 27.5 × 80/100 is 22। उसके अलावा दे दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट, और योर वेरिएबल कॉस्ट पर टन इज 38 and 39। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 16.4 प्लस 38 इज 54.4, 22 प्लस 38 इज 16 प्लस 39 इज 55, 22 प्लस 39 इज 61। नाउ रैंक फॉर प्रोडक्शन, पहले हम यहां बनाएंगे, दूसरा हम यहां बनाएंगे, तीसरा हम यहां बनाएंगे एंड चौथा हम यहां बनाएंगे। आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम प्रोडक्शन, हमको
टोटल प्रोडक्शन चाहिए 6300 जो एट प्रेजेंट हो रहा है। एट प्रेजेंट अपना प्रोडक्शन कितना है 6300 टन, जिसमें वाशिंगटन में हो रहा है 2700 और कैलिफोर्निया में हो रहा है 3600। ये अपना प्रोडक्शन हो रहा है 6300 का, ये हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन है। हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इट मींस माय प्रेजेंट प्रोडक्शन इज, दिस इज माय प्रेजेंट प्रोडक्शन, राइट। प्रेजेंट प्रोडक्शन हमारा हो रहा है और हमको पूरा हो रहा है 2700 इन वाशिंगटन, 2700 इन वाशिंगटन, 3600 इन कैलिफोर्निया, 2700 वाशिंगटन, 3600 कैलिफोर्निया। टोटल प्रोडक्शन हमारा हो रहा है 6300 टन, टोटल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 6300 टन। अब ये प्रेजेंट प्रोडक्शन को बोल रहे हैं कि यू कन्वर्ट इन प्रपोज्ड प्रोडक्शन। आप बताइए कि आपके हिसाब से, आप अपने आप को बहुत बड़ा डीकेसी समझते हो ना, दानगी कॉस्टिंग रजिस्टर्ड, दानगी कॉस्टिंग, तो ठीक है, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। और अगर हम आपकी बात मानते, अगर हम आपकी बात मानते, सपोज वी फॉलो यू, व्हाट इज द बेनिफिट वी विल गेट, हमें क्या फायदा होगा करके, ओके। तो उसके लिए फ्रेंड्स अपना तो एक ही सिस्टम है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले हम ये ढूंढेंगे कि भाई अपने पास ऑप्शन क्या है, कि अपने पास चार ऑप्शन है, वाशिंगटन में दो ऑप्शन है, वाशिंगटन में बनाओ मटेरियल, लोकल खरीदो या ब्रोकर के थ्रू जाओ, कैलिफोर्निया में लोकल खरीदो या ब्रोकर के थ्रू जाओ। पहला आपने निकाल लिया मटेरियल कॉस्ट, 80 टन डालेंगे 100, ये आपका आ गया मटेरियल कॉस्ट, ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट, ये आपने दे दिया रैंक। अब रैंक के हिसाब से आप करिए प्रोडक्शन, रैंक के हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना है। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मिनिमम कॉस्ट प्रपोज्ड, दिस इज स्टेप नंबर टू योर स्टेटमेंट showing, statement showing production plan, statement showing production plan, and this is your proposed, आपको प्रोडक्शन करना है, आपका प्लांट, आपका प्रोडक्शन मटेरियल यूज्ड से, और ये आपका बैलेंस। आपका प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन 6300। फर्स्ट रैंक आपका कहाँ आ रहा है, लोकल वाशिंगटन, लोकल वाशिंगटन एंड लोकल, वाशिंगटन लोकल में आपके पास मटेरियल अवेलेबल है 1440, उससे बन सकता है 100/80, इट मींस 1440 × 100/80 आपका प्रोडक्शन होगा 1800, इट मींस 6300 लेस 1800, 6300 लेस 1800 आपका पचा प्रोडक्शन 4500, ये आपका 4500, ये आपका 4500। अब हम क्या बनाएंगे, कैलिफोर्निया लोकल। अब कैलिफोर्निया लोकल क्योंकि हमारा सेकंड रैंक कहाँ है, कैलिफोर्निया लोकल में सेकंड रैंक है, फर्स्ट रैंक हमारा कहाँ था, वाशिंगटन लोकल में। इसके अंदर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है 4000, इसके अंदर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है 4000, तो हम लोगों ने बना लिया, हमको चाहिए ओनली 4500, तो पूरा 4500, 4000 से तो 5000 बन सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ओनली हमको क्या चाहिए, ओनली 4000, सही है सुनो। ये आपका कंप्लीट हो गया, हमारे हिसाब से आपको ये प्रोडक्शन करना चाहिए। इसका मतलब 1800 का करना चाहिए वाशिंगटन लोकल में, और 4500 कहाँ करना चाहिए, कैलिफोर्निया लोकल में। इट मींस
ये हमारा प्रपोज्ड है 4500 और ये हमारा 1800। अब क्वेश्चन ये कि ये लोग का क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इट मींस ये लोग ने जो प्रोडक्शन किया है एट प्रेजेंट, उन लोगों ने क्या प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब देखो, ठीक है, इसका मतलब इन लोगों ने क्या प्रोडक्शन किया है वो भी अपन देख लेते हैं। बराबर, देखो ये लोग बना रहे हैं, इसका मतलब ये लोग बना रहे हैं, दिस इज योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट प्रोडक्शन। वाशिंगटन में आपका प्रोडक्शन हो रहा है 2700। तो आपने कैसे किया होगा, पहले लोकल मटेरियल कंज्यूम किया होगा, लोकल मटेरियल कितना था आपके पास 1440, उससे आपका आउटपुट हो रहा है 100/80। इसका मतलब 1440 × 100/80 इज 1800 एंड बैलेंस आपने लिया होगा थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर से आपको कितना है 900 टन्स और ये आपका 1800 टन्स। ओके, और कैलिफोर्निया में आपका लोकल एंड ब्रोकर, लोकल में आपके पास मटेरियल है 4000, 4 से बन सकता है 5000, इसका मतलब पूरा की पूरा आपने बनाया होगा 4500 फ्रॉम लोकल, तो अभी आपके पास 500 का बैलेंस बच रहा है। इसका मतलब आपने बनाया होगा 1800 यहाँ पे, 900 यहाँ पे और 4500 यहाँ पे, ये आपको क्लियर हुआ है। आपने क्या बनाया होगा, आपने बनाया होगा, आपको बनाना चाहिए 1800 एंड 4500, सॉरी आप बना रहे 3600 ना, ये एट प्रेजेंट 3600 राइट, एट प्रेजेंट हमको कितना चाहिए 3600 ही प्रोडक्शन है ना अपना, हो सकता है 3600, सही है सुनो फ्रेंड्स। बताइए, मतलब अगर अपन देखें स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट प्रोडक्शन, वाशिंगटन में आपने बनाया 2700, तो लोकल आपका वाशिंगटन में कितना है 1440 मटेरियल इंटू 100/80 1800, इसका मतलब बैलेंस आपने जो मटेरियल लिया होगा वाशिंगटन प्लांट के लिए वो कहां से लिया होगा, वो 900 टन्स लिया होगा, कहां से 900 टन्स आपने कहां से लिया होगा, ब्रोकर से। कैलिफोर्निया में 4000 × 100/80 5000 में से आपने कितना बनाया 3600, तो भी आपके पास बैलेंस अवेलेबल है क्योंकि आप बना सकते हो 5000 और आप बना रहे हो ओनली ये एट प्रेजेंट आप बना रहे हो, ये क्लियर हुआ कि नहीं। इसका मतलब एट प्रेजेंट आप बना रहे हो 1800 फ्रॉम वाशिंगटन लोकल, 900 फ्रॉम वाशिंगटन ब्रोकर एंड 3600 फ्रॉम कैलिफोर्निया लोकल। ये बोल रहा है कि अगर आप रैंक यूज कर रहे हो रैंक 1, रैंक 3 एंड रैंक 2, जबकि प्रोडक्शन हो सकता है रैंक 1 एंड 2 में, तो अगर ये 900 टन्स को आप यहां ट्रांसफर कर देते हो तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा 5 रुपीज से कम। हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, हम लोग रैंक यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, हम लोग रैंक यूज कर रहे हैं 1, 2 एंड 3, जबकि प्रोडक्शन हो सकता है 1 और 2 में। तो अगर हम 900 टन्स, द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट कंपनी शुड ट्रांसफर 900 टन्स, ये 900 टन्स इनको ट्रांसफर करना चाहिए कहां से, वाशिंगटन ब्रोकर टू कैलिफोर्निया लोकल, सो देर इज ए सेविंग ऑफ 5 रुपीज पर टन। मतलब 60 kg का हमारा कॉस्ट कितना आएगा 55, देर इज ए सेविंग ऑफ 5 रुपीज पर टन। इज दिस क्लियर ऑर नॉट फ्रेंड,
अगर ये 900 को हम यहां ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां पे हमारा जो कॉस्ट है 60, वो कॉस्ट क्या हो जाएगा 55, हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा बोलो 55, हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा बोलो 55। सही है सोनू फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। यहां तक आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं? दूसरा क्या बोल रहा है? नाउ यू गो टू आंसर नंबर टू। आंसर नंबर टू, इफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इंक्रीज टू 9100, इफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इंक्रीज टू 9100 पर मंथ, हाउ मच वुड यू रिकमेंड बी प्रोड्यूस्ड एट ईच प्लांट। इसका मतलब वो बोल रहा है अगर 9100 हो जाता है, अगर हमको प्रोडक्शन चाहिए 9100 तो कौन सा और कहां से बनाना चाहिए? ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट कौन से प्लांट में बनाना चाहिए टू गेट द मिनिमम कॉस्ट, टू गेट द मिनिमम कॉस्ट। इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मिनिमम कॉस्ट। प्रोडक्शन प्लांट प्रोडक्शन एंड बैलेंस। अब हमको प्रोडक्शन कितना चाहिए? 9100 टन्स। हमें प्रोडक्शन कितना चाहिए? 9100 टन्स। पहले वाशिंगटन लोकल, वाशिंगटन लोकल में कितना बन सकता है? इट मीन्स 1440 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। इट मीन्स 1440 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इज 1800 टन्स। सो 9100 लेस 1800 टन्स, 9100 लेस 1800 टन्स इज 7300। हमारा सेकेंड प्रेफरेंस आ रहा है कैलिफोर्निया लोकल, मटेरियल अवेलेबल है 4000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, हम लोग बना सकते हैं 5000। ये हमारा बन गया 5000, हमारे पास बैलेंस बचा 2300। अब हम बनाएंगे वाशिंगटन ब्रोकर। अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना आप। पहला हमारा प्रेफरेंस क्या था? वाशिंगटन लोकल, मटेरियल कितना अवेलेबल था? 1440 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 हम लोगों ने बना लिया 1800 टन्स। हमारे पास बैलेंस बचा 7300। सेकेंड हमारा प्रेफरेंस आ रहा है कैलिफोर्निया लोकल, कैलिफोर्निया लोकल में हम लोग कितना मटेरियल है? 4000 से कितना बना सकते हैं? 100 बाई 80, 5000, 7300 माइनस 5000, आपका बैलेंस बचा 2300। अब जरा ध्यान रखना, वाशिंगटन ब्रोकर में हमारे पास फ्रेंड्स, वाशिंगटन ब्रोकर में फ्रेंड्स हमारे पास मटेरियल है, लेकिन प्लांट का कैपेसिटी नहीं है। व्हाट इज द प्लांट का कैपेसिटी? प्लांट का कैपेसिटी इज मैक्सिमम 3600। आपको प्लांट का कैपेसिटी भी देखना है, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करता है। आपके पास वाशिंगटन ब्रोकर में ब्रोकर बोलता है मटेरियल कितना भी ले लो, लेकिन प्लांट का कैपेसिटी नहीं है 3600। यहां पे लिख दो आप जरा ब्रैकेट में, हाँ, सब्जेक्ट टू प्लांट कैपेसिटी। इट मींस 3600 में से ऑलरेडी बन चुका है 1800, हम लोग खाली बना सकते हैं 1800 तो ऑलरेडी बन चुका है, और प्लांट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 36। इट मींस 1800 और बाकी का जो बचेगा 500, दैट 500 वी विल प्रोड्यूस इन कैलिफोर्निया
ब्रोकर, मटेरियल ब्रोकर से लेंगे और प्लांट हमारा रहेगा कैलिफोर्निया। सही आंसर नो फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए आप परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए आप। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे बताइए फ्रेंड्स, आप परफेक्टली क्लियर होना। ओके, अब मैं एक प्रॉफिट वाला ले लेता हूं, इसी में एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चन लेते हैं अपन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36 एंड पेज नंबर 5.74। क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 5.74। एक्स लिमिटेड हैज टू फैक्ट्रीज, एक्स लिमिटेड हैज टू फैक्ट्रीज, वन इज लखनऊ एंड अनदर इन पुणे, प्रोड्यूसिंग 7200 टन्स एंड 10,800 टन्स ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट अ मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 9000 एंड 11880 टन्स रेस्पेक्टिवली। ओके, अब आप पहले गिवन करके लिख लो पहले की तरह, गिवन एक्स लिमिटेड, ये आपका एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड हैज टू फैक्ट्रीज, वन इज इन लखनऊ, वन इज इन लखनऊ, अनदर इज हैज टू फैक्ट्रीज, वन इज लखनऊ अनदर इज इन पुणे। एक्स लिमिटेड हैज टू फैक्ट्रीज, वन एट लखनऊ एंड अनदर एट पुणे, प्रोड्यूसिंग, इट मींस प्रेजेंट प्रोडक्शन इज 2700 टन्स और 10,800 टन्स ऑफ ए प्रोडक्ट अगेंस्ट द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है 9,000 टन्स एंड 11,880 टन्स एट लखनऊ एंड पुणे, 10% ऑफ द रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इज लॉस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो पहले वाले में उल्टा था, 80 इनपुट डाल के आउटपुट 100 आ रहा था, यहां पे 100 डाल के 90 आएगा। ओके, इनपुट इज 100 और आपका आउटपुट आएगा 90, क्योंकि 10% आपको क्या है लॉस, 10% ऑफ द रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इज लॉस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल लोकली इज, इसका मतलब लोकल मटेरियल अपने पास अवेलेबल है, हमारे पास लोकल मटेरियल अवेलेबल है, लोकल मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल लोकली इज 6000 टन्स एंड 13,000 टन्स एंड 13,000 टन्स और उसका प्राइस है 720 एंड 729 टन एट लखनऊ एंड पुणे। For the additional need, a supplier of Bhopal is ready to supply raw material at our factory at the rate of 792. For additional need, a supplier of Bhopal. अगर आपको ज्यादा चाहिए material तो supplier of Bhopal वो बोलता है at the rate of rupees 792, but any quantity. 792
एनी क्वांटिटी सही आंसर ना फ्रेंड्स। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? वापस से आई रिपीट फ्रेंड्स, एक्स लिमिटेड हैज टू फैक्ट्रीज, वन एट लखनऊ एंड अनदर एट पुणे, लखनऊ एंड पुणे, प्रोड्यूसिंग 7200, प्रोड्यूसिंग 7200, दिस इज 7200 टन्स, 7200 टन्स अगेंस्ट द मैक्सिमम ऑफ 9000 एंड 11880 ओके एट लखनऊ, 10% ऑफ रॉ मेटेरियल इंट्रोड्यूस इज लॉस इन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, 100 डालेंगे तो आपको 90 मिलेगा, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मेटेरियल अवेलेबल लोकली इज 6000 एंड 13000 और उसका प्राइस आपका रहेगा 720 और आपका प्राइस रहेगा 729 लखनऊ एंड पुणे, फॉर एडिशनल नीड सप्लायर ऑफ भोपाल इज रेडी टू सप्लाई ऑफ रॉ मेटेरियल एट आवर फैक्ट्री एट रुपीज 792 एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी आप खरीदिए उसका क्या हो जाएगा प्राइस इज 792। नाउ कंटिन्यू, ये आपका लखनऊ और ये आपका पुणे, अदर वेरिएबल कॉस्ट अदर वेरिएबल कॉस्ट इज 22,32,000 इन लैक्स एंड 32,94,000 इन लैक्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट 18 लैक्स एंड 24.84 लैक्स and 24.84 lakh. The output sold, selling price is 1450 per ton and 1460 per ton, Lucknow and Pune. You are required to compute the cost per ton and net profit earned, okay? Can you suggest any other alternative production plan for the both the factories without any change in the present total output of 18,000 tons, whereby the company may earn the optimum profit? इसका मतलब at present इन लोग का production कितना हो रहा है, 7200 and 10,800, similar types हमें सेम कॉन्सेप्ट होगा 18,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पहले से अपने से कॉस्ट शीट पूछा है उसने, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट पर टन एंड नेट प्रॉफिट बीइंग अर्न, ओके ठीक है, इट मींस पहले आप बना लीजिए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, आंसर नंबर वन आपका हो जाएगा, statement showing cost sheet, Lucknow, Pune. Output 7,000 200 tons and 10,800 tons.
सही है, सुनो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको बताइए। ऑल राइट फ्रेंड्स, टेक टोटल पर टन, टोटल एंड पर टन। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। अब देखो लखनऊ में कितना मटेरियल लगेगा आपको, 7200 इंटू 100 बाई 90 इज 8000 टन्स, राइट। अब ये 8000 हम लोग कैसे खरीदेंगे, इसका मतलब 6000 तो लोकली मिल रहा है अपने को मटेरियल, सही है सुनो। अपने को लोकल मटेरियल कितना मिल रहा है, 6000 टन्स मैक्सिमम लोकल मटेरियल एट द रेट ऑफ 720 प्लस 2000 टन्स हमको मिलेगा भोपाल से 792 में। तो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6000 इंटू 720 इज 43,20,000 प्लस 2000 इंटू 792 15,84,000 प्लस 59,04,000 रुपीज आपका टोटल हो जाएगा। आपका मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7200 पर टन कॉस्ट आपका आएगा 820 और इसमें 10,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 कितना मटेरियल लगेगा अपने को, इट मींस 10,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इज 12,000 एंड व्हाट इज द रेट, आपको लोकली मिल जाएगा पूरा 13,000 तक 729। ये पूरा की पूरा कहां से ले लेगा, लोकल से 729, 12,000 इंटू 729 87,48,000 divided by 10,800 is 810। ये आपका material cost हो जाएगा rupees 810। So yes or no friends, यहां तक आपको clear हुआ कि नहीं हुआ, परफेक्टली क्लियर ऑन इट, बोलिए एकदम कैलकुलेशन सब प्रॉपरली आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट, परफेक्टली क्लियर ऑन इट, ठीक है, ओके। और सब कैलकुलेशन तो मैंने आपको दे ही रखा है, राइट, प्रिंटेड बुक में मैंने आपको पेज नंबर 5.75 पे आपको पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है 5.75 पे, ठीक है। मेरे पास प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको जरा यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। अब आप आ जाइए, ये हमारा हो गया मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन पूरा, तो क्या प्रेजेंटेशन इजी हो जाएगा थोड़ा। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट इज 22,32,000 एंड 32,94,000, 22,32,000 डिवाइडेड बाई 7200 3204 डिवाइडेड बाई 10,800 इज 305। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट। देन यू गो टू फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन 18 लैक्स, दिस इज योर 18 लैक्स, सो
18 lakhs divided by 7200 is 250. 18 lakhs and 24 lakh 84,000. It means 24 lakh 84,000 divided by 10,800 is 230. तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल कॉस्ट 59,04,22,32,1899,36,000 divided by 7200 is 1380. 87,48,32,94,24 is 145,26,000 and ये आपका आ जाएगा 1345. Then add profit. What is the profit? It means आपका सेल्स अपन निकाल लेंगे पहले. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 1450 एंड 1460. 1450 माइनस 1380 इज 70 × 7200 5,04,000. 1450 × 7200 104 and 40,000. Then 1345 less 1460 is 115 × 10,800 is 12,42,000. It means 1452600 1242. And this comes to 157,68,000. So yes, perfectly आपको क्लियर जाने ये आपका हो जाएगा बताइए सेल्स का फिगर करके ना फ्रेंड्स. दिस इज योर टोटल सेल्स वैल्यू. प्रॉपर क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स? बताइए 5,04,000 is the profit and your 12,42,000 is the profit. Perfectly clear or not? बताइए proper. Okay, अब अपने से क्या पूछ रहा है friends वो जरा देख लीजिए. Can you suggest any other alternative production plan? It means आपका total production कितना है is 7,200 plus 10,800 is 18,000. हमको 18,000 ही चाहिए लेकिन आप अदर प्लान बताइए राइट. इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? अगेन सेम अपने को रैंक देना पड़ेगा. रैंक के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रीब्यूशन पर टन, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है. कॉन्ट्रीब्यूशन पर टन ओके, जिसमें ज्यादा होगा वो अपना हो जाएगा बिकॉज लिमिटिंग फैक्टर इज ए गेटिंग मेटेरियल का अपने प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, तो अपने को देखना पड़ेगा. इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर वन. स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर टन and rank for production. ये लखनऊ, ये पुणे, ये लोकल, ये भोपाल, ये लोकल और ये
भोपाल, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर टन? सेलिंग प्राइस पर टन इज 1450, 1450, 1460 and 1460. सेलिंग प्राइस पर टन 1450, 1450, 1460, 1460 लेस वेरिएबल प्राइस पर टन, उसमें सबसे पहले आपका आएगा मटेरियल। अब आप देख लीजिए मटेरियल आपको क्या भाव से मिल रहा था, राइट? व्हाट वाज द लोकल मटेरियल का आपको रेट क्या था? लोकल मटेरियल का रेट आपको क्या था वो जरा आप देख लीजिए। लोकल मटेरियल का रेट था 720 और 792, 720 एंड 792। इसका रेट क्या था? 729 792 729 एंड 792। ओके, अगर ऐसे हम 100 टन्स डालते हैं, ऐसे हम लोग 100 टन्स डालते हैं तो हमको आउटपुट आएगा 90 टन्स, हमको आउटपुट आएगा 90 टन्स। ऐसे हम अगर 100 टन्स डालते हैं तो हमें आउटपुट क्या आएगा? 90 टन्स। 720 × 100/90 is 800. 792 × 100/90 is 880. 729 × 100/90 is 810. And 792 × 100/90 is 880. Less variable cost per ton. What is your variable cost? Is 310 and 305. 310, 310, 305 and 305. Contribution per ton. Contribution पर टन आपका क्या आएगा फ्रेंड्स? 1450 − 800 − 310 is 340। मटेरियल कॉस्ट आपका हो गया फ्रेंड्स इज 340। कंट्रीब्यूशन 1450 − 880 − 310 is 260। 1460 − 810 − 305 is 345। 1460 − 880 − 305 is 275। रैंक फॉर प्रोडक्शन 1, रैंक फॉर प्रोडक्शन 2, रैंक फॉर प्रोडक्शन 3 एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा करके ना, देयर इज नो चेंज एट ऑल इन फॉर्मेट। फॉर्मेट पार्ट आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स? इज एग्जैक्टली सेम। फॉर्मेट पार्ट आपका सेम रहेगा एग्जैक्टली, और आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आप बना लीजिए। इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग स्टेप नंबर टू। Statement showing, statement showing production plan for maximum profit. Statement showing production plan for maximum profit. Production
प्लांट प्रोडक्शन एंड बैलेंस, कितना प्रोडक्शन था 18,000। पहले उसको क्या बोला है, पुणे लोकल, पुणे लोकल में अपने पास कितना मटेरियल अवेलेबल था फ्रेंड्स, पुणे लोकल में मटेरियल अवेलेबल था 6,000 टन्स। पुणे लोकल में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था 6,000 और 90 बनता है 100 से, इट मींस 6,000 इंटू 9 इज 5,400 का प्रोडक्शन होगा। बैलेंस 18,000 लेस 5,400 लेस 18,000 इज 12,600। फिर हम क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, इज वट एवर सेकेंड प्रेफरेंस इज लखनऊ लोकल, सुनो एक सेकेंड, पुणे लोकल में कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, पुणे में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, पुणे में मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, पुणे में 13,000 मटेरियल अवेलेबल है, 13,000 पुणे में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है 13,000, इट मींस 13,000 इंटू 90%, 13,000 इंटू 0.9 इज 11,700, 11,700 हमारे पास बैलेंस बचेगा, माइनस 18,000 इज 6,300। देन लखनऊ लोकल में हमारे पास मटेरियल है 6,000, लखनऊ लोकल में हमारे पास मटेरियल है 6,000 एंड 6,000 का इज 90%, 6,000 इंटू 0.9 इज 5,400, 5,400, 6,300 माइनस 5,400 इज 900। फिर हम लोग जाएंगे, थर्ड हमारा रैंक कहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, थर्ड रैंक आ रहा है पुणे भोपाल, पुणे भोपाल। अब मटेरियल तो है लेकिन आप ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस समय भी आपको बताया था, सब्जेक्ट टू प्लांट कैपेसिटी, सब्जेक्ट टू प्लांट कैपेसिटी, व्हाट इज योर प्लांट का कैपेसिटी, प्लांट का कैपेसिटी इज, प्लांट कैपेसिटी इज ओनली 11,880, प्लांट कैपेसिटी इज ओनली 11,880, उसमें से ऑलरेडी बन चुका है 11,700, इट मीन्स अभी बनेगा आपका 11,880 माइनस 11,700 ओनली 180, बैलेंस आपका बचेगा 900 माइनस 180 इज 720, और 720 आपका बनेगा लखनऊ एंड भोपाल। ये वाला पॉइंट आप बहुत ध्यान रखिए, सब्जेक्ट टू द प्लान कैपेसिटी, यहाँ पे बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है अरे मटेरियल तो है, मटेरियल है तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, अरे भाई मटेरियल तो है लेकिन आपके पास ये भी तो होना चाहिए ना फ्रेंड्स, मटेरियल तो है आपके पास, मटेरियल का देयर इज नो प्रॉब्लम, मटेरियल तो आपके पास है लेकिन आपका प्लान का कैपेसिटी भी तो होना चाहिए ना, प्लान का कैपेसिटी नहीं है तो आपका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ये सम को देख लीजिए। अब आपको एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जिसमें आपको ये देखना रहता है कि भाई हम किसको सेल करें और हम किससे परचेज करें, तो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 37 एंड पेज नंबर 5.76। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 5.76, कैरी ऑन लिमिटेड प्रोड्यूसेज ए केमिकल प्रोडक्ट विच इज प्रोसेस्ड थ्रू टू डिपार्टमेंट P1 एंड P2। द
The company has a capacity to process an input of 5,000 tons in coming year. Normal waste department P1 is 5% and P2 is 10% of input in those department. P1 waste is sold at the rate of 10 rupees per ton. P2 waste is sold at the rate of 8 rupees 12 per ton. The sales value being credited against the cost of department, budgeted cost. Dekho, sabse pehle aapko kya hai friends, this is given. Carrion Limited produces a chemical product which is passes through two departments. It means this is your department 1. Two department, department P1 and P2. This is your P1. आपको याद आ रहा है मेरा प्रोसेस में अपन करते थे joint product, by product में इस टाइप का चार्ट इंटर में किया था अपन ने. The company has a capacity to produce an input. Input है अपना input and input है 5,000 tons. 5,000 coming. Normal waste in department P1. This is normal waste. Normal waste is 5% of 5,000. It means 250. आपको output मिल जाएगा 4750. In department 2, 10% of the input. Okay. यहाँ पे आपका process होके तेरी जे normal loss 10% of 4750 is 475 and output is 4750 less 475 is 4275 and input of those department. P1 waste is sold, it means sale value hai 10 rupees and P2 सेल वैल्यू है 12 रुपीस पर टन. दिस इज पर टन एंड दिस इज पर टन. द सेल्स वैल्यू क्रेडिटेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. लेबर अपने को दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड अपने को दे रखा है. द कंपनी हैज थ्री पॉसिबल सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. सप्लाई सप्लायर ए ऑफर ए सप्लाई. इट मींस देयर आर थ्री सप्लायर्स. सप्लायर ए, supplier B and supplier C. The company has three possible sources of supply of raw materials. Supplier A offers to supply 3000 tons at the rate of 10 per ton. Supplier B 5000 tons at the rate of 12 with a discount of 10%. It means 90%, 10.8. and if the company buys whole of the requirement from him, lekin aapko pura 5000 lena padega, and C 4000 tons, up to 4000 tons at the rate of 11.3. In each case, carry-on must collect the raw material itself, for which the variable transport cost apne ko aayega 0.6. It means 10.6 ho jayega. 0.4. 0.4 add karenge to 10.8 plus 0.4 is 11.2 and 0.5, it means 11.3 plus 0.5 is 11.8. Fixed transport cost 10,000 rupees irrespective of supplier chosen. It means aapka fixed cost hai supplier ka, is a
10,000 विच इज इरेलेवेंट, आप किसी से भी करो. द फिनिश प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू थ्री पॉसिबल कस्टमर, कस्टमर एक्स. अब ये फिनिश गुड्स अपने पास है, इसको हम सेल कर सकते हैं कस्टमर एक्स, कस्टमर वाई एंड कस्टमर जेड. कस्टमर एक्स 2000 टन्स लेगा और वो अपने को प्राइस देगा, वो अपने को प्राइस देगा 65. कस्टमर वाई 4000 लेगा और वो अपने को प्राइस देगा 65 विद अ डिस्काउंट ऑफ 10%. इट मींस 65 इंटू 0.9 इज 58.5. एंड कस्टमर जेड वो पूरा की पूरा ले लेगा लेकिन उसका प्राइस रहेगा 57.5. ही विल कलेक्ट द आउटपुट हिमसेल्फ. वेरिएबल डिलीवरी कॉस्ट फॉर एक्स के केस में रहेगा 0.7, इट मींस 64.3, और 0.6, इट मींस आपका 58.5 माइनस 0.6 इज 57.9. अब आपको बताना है, अब आप बता दीजिए. देखिए जरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पेज नंबर 5.77 पे. प्रिपेयर ए रिपोर्ट मेकिंग रिकमेंडेशन चॉइस ऑफ सप्लायर, आपको किससे तो लेना चाहिए और किसको. तो देखो ये तो बोलता है कि मैं पूरा की पूरा ही दूंगा करके, इसका मतलब रैंक आपका आएगा 1 और 2, क्योंकि इसका रेट है 11.8, इसका रेट है 10.6. तो देखो जरा 5.77 पे स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल परचेज ऑप्शन 1, अपन बी से ले लो पूरा की पूरा 11.2 के हिसाब से, लेकिन पूरा लेना पड़ेगा. तो 5000 इंटू 11.2, ये 5000 इंटू 11.2 आपको आएगा 56,000. ऑप्शन 2, 3000 इससे ले लो एट द रेट ऑफ 10.6, एंड सी से ले लो 2000, सी से आप ले लो बैलेंस 2000, क्योंकि आपको टोटल 5000 चाहिए ना. तो 3 इससे ले लो और 2 इससे ले लो एट द रेट ऑफ 11.8. अच्छा, अब ये आप इसका मतलब ऑप्शन 2 में आपको मिनिमम कॉस्ट आ रहा है 55,400. पेज नंबर 5.77 पे आप जरा देखिए. अच्छा, सेल करना हो तो ये बोलता है कि मैं पूरा की पूरा लूंगा 4275 एट द रेट ऑफ 57.5. तो 4275 एट द रेट ऑफ 57.5 आपको आएगा 245,812.5. और अगर अपन इसको बेचना चाहें तो पहला अपन का ये है 2000 इसको बेच दो एट द रेट ऑफ 64.3, और जो बचेगा उसको 2275 इसको बेच दो एट द रेट ऑफ 57. इसका बेस्ट प्राइस है, सेकंड इसका है. ये बोलता नहीं मैं तो पूरा लूंगा, तो आपको आ रहा है 260,322. तो मैक्सिमम सेल्स आपका कहाँ है, ऑप्शन 2. ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज द एंड. अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें मैं आपको लूंगा फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग ओ आर वाला यूज भी कर सकते हैं करके, ग्राफिकल वाला करके ना, ग्राफिकल का, सिंप्लेक्स का. अगर आपको लिमिटिंग फैक्टर नहीं दे रखा है, अगर आपको लिमिटिंग फैक्टर नहीं दे रखा है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं दे रखा है तो कैसे करेंगे, और इतना प्रैक्टिस करके आप रखिए. थैंक यू.